नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा खलनायक दिख रहा है, यानी खलनायक की छवि वाला कोई नेता दिख रहा है, तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जग मनोहर लाल खट्टर। हर जगह उनकी आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, भर्त्सना हो रही है और उनका मजाक बनाया जा रहा है हर जगह। और वो खुद भी बार बार ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे वो आलोचना के केंद्र में आ रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने कह दिया कि जो किसानों ने आंदोलन किया था उसमें तो पंजाब के लोग थे, वो मुखौटे पहनकर किसानों के आ गए थे और वो केंद्र में सत्ता को अस्थिर करना चाहते थे। इस तरह के बयान देकर भी वो बार बार जैसे चिढ़ा रहे हैं हरियाणा के मतदाताओं को, और इस वजह से उनके खिलाफ और भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऐसे और भी बयान उनके गिनाए जा सकते हैं। जैसे अभी एक बंद दरवाजे वाली मीटिंग में उन्होंने अपने ही एक कार्यकर्ता को बाहर निकलवा दिया था, क्योंकि उसने कह दिया था कि आपका विधायक तो जीतेगा नहीं। खट्टर इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं, अलोकप्रिय हो चुके हैं कि वो सार्वजनिक रैली नहीं करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। वो जितनी भी सभाएँ मीटिंग्स कर रहे हैं वो क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें ऐसे लोगों की एंट्री ही ना हो जो उनके कहे पर सवाल खड़े कर सकें। लेकिन जाहिर है ये उनका शक भी जाहिर करता है, उनका आत्मविश्वास डगमगाया है, वो डरे हुए हैं, ये भी जाहिर करता है। ऐसा क्या हुआ कि मनोहर लाल खट्टर, जो 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, इस चुनाव में पूरी तरह से खलनायक के रूप में बीजेपी के सामने आ रहे हैं। इस तरह की उनकी छवि बन गई है कि केंद्रीय स्तर का कोई बड़ा नेता उनको अपनी रैली में नहीं बुला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की, दोनों में मनोहर लाल खट्टर नहीं थे, नदारद थे। यही नहीं, हरियाणा का कोई बीजेपी का उम्मीदवार नहीं चाहता है कि मनोहर लाल खट्टर उनके यहाँ आए, चुनाव कैंपेन करें, क्योंकि उसे पता है कि अगर मनोहर लाल खट्टर आए तो उनके वोट और कट जाएंगे, कम हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि 9.5 साल राज्य में मुख्यमंत्री रहे और अभी केंद्र में मंत्री हैं, और ये भी कहा जाता है कि नायब सिंह सैनी की जो सरकार थी, है अभी भी, उसको भी खट्टर साहब ही चला रहे थे। खट्टर के इशारे पर ही सैनी हरियाणा की सरकार चला रहे थे। तो जो आदमी इतना पावरफुल था, उसकी ये दुर्गति क्यों हुई? और क्या इस दुर्गति के लिए अकेले वही जिम्मेदार है? हरियाणा में जो कुछ हुआ, क्या उसके लिए खट्टर को ही जिम्मेदार बताया जा सकता है या और कोई भी इसके लिए दोषी है? ये सवाल बहुत बड़ा है। इसकी शुरुआत हमको उस समय से करनी पड़ेगी जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला क्यों किया गया था, किसने किया था? हम सब जानते हैं ये फैसला कौन करता है। नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने एक ऐसे आदमी को सीधे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया जिसका प्रशासन का, शासन का कोई अनुभव नहीं था। वो आरएसएस के प्रचारक मात्र थे, लेकिन कहीं से मोदी जी के खास थे, कहीं से उनका कुछ आपस में रिश्ता था कि उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। उनका कोई जनाधार नहीं था। बहुत सारे नेता होते हैं कि इनका इस जात में, इस तबके में पैठ है, इतना वोट बैंक है, इसके बेसिस पे उसे पद, कुर्सी, मुख्यमंत्री या जो भी मिलता है वो मिलता है। लेकिन खट्टर के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कहा यह जाता है कि वो पंजाबी समाज के आते हैं, 4-5% पंजाबी समाज के वोट हैं, उसमें से खट्टर साहब का क्या जनाधार रहा होगा? तो उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया, और फिर बाकी जो सीनियर लीडर थे सब उनके साथ थे, जो पूरे कार्यकाल में उनके असंतुष्ट थे, कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे। अब चलिए मान लीजिए कि एक बार बना दिया,
दोबारा आपने फिर उन्हीं को रिपीट किया, फिर से खट्टर साहब, जबकि 5 साल जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई थी उसी से वो अच्छे खासे बदनाम हो चुके थे और इसीलिए पार्टी की सीटें घट गई थी बहुत, वो बहुमत के नीचे आ गई थी, उसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ी। लेकिन फिर भी मोदी जी ने खट्टर को ही पसंद किया, तो खट्टर के साथ उनकी निकटता रही होगी, लेकिन खट्टर को वो इस्तेमाल भी करना चाहते रहे होंगे। उन्हें ऐसा लगा होगा कि एक ऐसा कमज़ोर मुख्यमंत्री रखो, कठपुतली मुख्यमंत्री रखो जो जिसको हम उठने को कहें तो उठे और बैठने को कहें तो बैठे। खट्टर उस तरह के मुख्यमंत्री साबित भी हुए। किसान आंदोलन खट्टर साहब की छवि को बिगाड़ने में सबसे बड़ा कारण रहा है। किसान आंदोलन से जिस ढंग से खट्टर निपटे, उनकी छवि को पूरा ध्वस्त कर दिया, ना केवल किसानों के बीच में बल्कि पूरे ग्रामीण समाज के बीच में, पूरे जाट समुदाय के बीच में, महिला वर्ग में, सब जगह खट्टर साहब की पूरी अच्छी खासी बदनामी हो गई। और ये काले कानून कौन लाया था? प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार लाई थी, और उन्होंने खट्टर साहब पर दबाव डाला कि ये किसान दिल्ली ना आने पाए। उनको रोकने के लिए खट्टर साहब ने आंसू गैस के गोले छोड़वाए, वाटर कैनन चलवाई, सड़कें खोदी, दीवारें खड़ी की, लाठी चलवाई, ये सब काम किसानों पर करवाया और लगातार करवाया, 1, 2, 10, 20, 25 बार नहीं, लगातार करवाया। तो उनके खिलाफ गुस्सा उबलता गया, बढ़ता गया, इकट्ठा होता गया। और उधर अग्निवीर की योजना कौन लाया था? मोदी सरकार लाए थे। उसका असर पड़ा, नौजवानों में नाराजगी, महिला पहलवानों के साथ यौन दुराचार, यौन उनका उत्पीड़न करने वाला कौन था? ब्रजभूषण शरण सिंह। और उसको कौन बचा रहा था? प्रधानमंत्री मोदी। ये 3 बड़े कारण थे खट्टर साहब की बदनामी के। और भी कारण हैं, उन्होंने जिस तरह की योजनाएं लाई, जिस तरह के उपाय किए, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या काम धंधे पर रुकावटें डाली, वो तमाम चीज़ें जो थीं वो सब खट्टर साहब के सिर पर पड़ी। तो खट्टर साहब अपने पापों की सज़ा तो भुगत ही रहे हैं, ये मोदी सरकार के पापों की, गुनाहों की सज़ा भी खुद भी उनके सिर पर आ गई। वो हरियाणा में मुख्यमंत्री थे और इन तीनों चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हरियाणा पर पड़ा, और इन तीनों चीजों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार थे। तो मोदी ने जो किया उसका दुष्फल मनोहर लाल खट्टर को भुगतना पड़ रहा है, चखना पड़ रहा है, कड़वे फल उनको खाने पड़ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर अनुभवहीन नेता थे, कोई जनाधार नहीं था, तो वो जैसा बर्ताव कर सकते थे, जो उनकी शख्सियत थी उसी के अनुसार उन्होंने किया। उनको किसी ने रोका नहीं, समझाया नहीं, हटाया नहीं, ये किसकी भूमिका थी? केंद्रीय नेतृत्व की, चाहे वो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे सरकार का केंद्रीय नेतृत्व हो, या चाहे दोनों का ही केंद्रीय नेतृत्व अगर एक है तो उसकी जिम्मेदारी थी। इतने सालों तक खट्टर सरकार चला रहे थे, क्या सेंट्रल हाई कमान को, मोदी सरकार को पता नहीं था कि हरियाणा में हालात क्या हैं, उनकी पार्टी की क्या दुर्गति होने जा रही है, उनकी सरकार हटने जा रही है और बुरी तरह से हारने वाली है? क्या इसका अंदाज़ा मोदी शाह को नहीं था? क्या मोदी को लगा था कि खट्टर एक कठपुतली मुख्यमंत्री है, हम ये कानून बिल लाएंगे, उनको लागू करेंगे क्योंकि अडानी को लाभ पहुंचाना है और इस मामले में खट्टर हमारे लिए सबसे मुफीद आदमी, उसको जैसा कहा जाएगा वैसा करेगा? तो अडानी के लिए खट्टर की नियुक्ति हुई थी, अडानी को तमाम छूटें दिलवानी थी,
इसके लिए खट्टर को वहां स्थापित किया गया था। मोदी जी के दुर्भाग्य से काले कानून वापस लेने पड़े, लेकिन जो कुछ हुआ इस बीच में वापस काले कानून की वापसी तक, उस सब का ठीकरा तो खट्टर सरकार पर सबसे ज़्यादा फूट रहा है। सबसे ज़्यादा सघन आंदोलन पंजाब हरियाणा में था, तो सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा खट्टर सरकार को, मुख्यमंत्री खट्टर को। सारी तोहमतें, सारे आरोप, सारी नाकामियां उन्हीं के खाते में गई। तो खट्टर साहब तो इस सब के लिए तो जिम्मेदार हैं ही, क्योंकि एक बुरी तरह से नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए, बिना रीढ़ वाले मुख्यमंत्री साबित हुए, बिना अक्ल वाले मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, नफरत पालने वाले मुख्यमंत्री साबित हुए। आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था तीरथ धारा 370 हटने पर कि अब हम वहाँ से लड़कियाँ लाएंगे। ये यही मनोहर लाल खट्टर हैं, इनकी मानसिकता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और इस तरह के बहुतेरे बयान उन्होंने दिए हैं किसानों के बारे में, अग्निवीरों के बारे में, महिला पहलवानों के बारे में, वो कैसे बच सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा पाप किया है मोदी एंड कंपनी ने, उनको लगातार वहाँ बनाए रखकर, वहाँ के हालात सुधारने के बजाय बिगड़ते रहने देने तक। और अंत अंत में नायब सिंह सैनी को लाकर उन्होंने सोचा था कि ये तुरुप का पत्ता है जो दूसरे प्रदेशों में कहीं कहीं खेल के चल गया। उत्तराखंड में लास्ट मोमेंट में पुष्कर सिंह धामी को लाए और पार्टी जीत गई, वो यहाँ भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ चलता नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ तो हालत और भी ख़राब कर दिए गए, बुरी तरह ख़राब कर दिए गए। और उसमें जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और उसमें पार्टी नीचे आ गई, उसका भी योगदान जुड़ गया। सीटें आधी हो गई, गुस्सा और मुखर हो गया और अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हो गए। उसने और ज़ोर शोर से आक्रमण बोल दिया और उसका नतीजा हम देख सकते हैं कि एक पूरी हवा हरियाणा में बन चुकी है कांग्रेस के फेवर में। और राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो तो एक सुनामी की तरह बीजेपी को साफ कर सकती है मैदान से। तो खट्टर तो जिम्मेदार हैं, खट्टर तो गुनहगार हैं, लेकिन उनसे बड़े भी गुनहगार हैं पार्टी में उनकी और केंद्र सरकार में, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। खट्टर अकेले गुनहगार नहीं, खट्टर अकेले खलनायक नहीं है हरियाणा के, ये हरियाणा के मतदाताओं को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।